मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दुबई से आने के बाद बहुत सारे जो बैग्स वगैरह कुछ भी अनपैक नहीं किए थे, सारे ऐसे कैसे रख दिए थे, बहुत सारी शॉपिंग वगैरह की थी वो भी सब ऐसे ही रख दिया था। तो फ्राइडे मॉर्निंग उठ के सबसे पहले मैं यही काम कर रही हूँ, सारी चीज़ें अनपैक करके जो शॉपिंग की थी वो सारी एक जगह रखूँगी। एंड क्या क्या शॉपिंग की थी वो देखने के लिए आपको आगे तक वीडियो देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं बहुत बिजी हूँ। बाद में आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ दुबई से। सो घूम फिर कर कहीं से आने के बाद घर में ग्रॉसरीज सब्जियाँ ये सब होती नहीं है, तो सबसे पहला काम है चलो सुपर मार्केट चलते हैं, लेकर आते हैं सब्जियाँ वगैरह, उसके बाद बनाएंगे ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैंने रिकॉर्ड किया था, बहुत कुछ आपसे बोल रही थी, बट मैंने आपको बताया था कि मेरी जो बातें हैं वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पता नहीं कुछ इशू था, तो इसलिए अभी मैं कर रही हूँ अपनी एडिटिंग का काम। जो मेरा पेंडिंग है वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे बाकी के काम। सो पूरे 1 वीक के कपड़े थे जमा हो गए थे, आधे धुले हैं आधे धो के रखे थे, बट एडिटिंग करने के चक्कर में वो भी मैंने सुखाए नहीं थे, और ये आधे ये इतने सारे बचे हैं, तो 2-3 दिन लगते हैं कपड़े धो, उनको सुखाओ, उनको तय करो, तो सबसे बड़ा टास्क होता है कहीं से आने के बाद, तो चलिए ये काम कर लिया जाए पहले। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और हम आए हैं एक शॉप में जहाँ से मुझे अपना मिक्सर ग्राइंडर का छोटा वाला जार रिप्लेस करवाना था, एंड मेरा कुकर फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था तो वो ठीक कराना था, तो ये सारी चीज़ें हम काम कराएंगे। उसके बाद हम होम बॉक्स और होम सेंटर जाने वाले, कुछ लेना था, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो पिक करना था, एंड देखते हैं कि और भी कुछ लेना हो तो वहाँ सर मुझे चेक करनी है कुछ चीज़ें, तो चलिए फिर चलते हैं शॉपिंग पे। सो एक शॉप से दूसरे शॉप के चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ एक अच्छी बात है कि होम बॉक्स और होम सेंटर बिल्कुल नेक्स्ट टू ईच अदर है, तो अगर इसमें कुछ नहीं मिला तो उसमें चले जाओ, उसमें कुछ नहीं मिला तो उसमें चले जाओ, तो होम सेंटर होम बॉक्स के चक्कर काट रहे हैं अभी हम। सो ऑगी के रूम के लिए मुझे कारपेट लेना था, और हर बार हम अपने जो हमारा स्पेस है ऑगी के बेड के पास उसका मेजरमेंट लाना ही भूल जाते थे, तो कभी नहीं ले पाते थे, तो आज मेजरमेंट लेकर आए हैं, तो अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो हम ले लेंगे। सो अच्छी कारपेट है और डिस्काउंट भी चल रहा है। सो हमने जो लेना था ऑर्डर किया था पिक करना था वो हमने पिक कर लिया है, और थोड़ी बोरी शॉपिंग भी कर ली, अब हम वेट कर रहे हैं। हमने एक और चीज़ का ऑर्डर देना था, तो आज बहुत लंबी क्यू है, तो वो ऑर्डर देकर अभी आ गए हैं, अब हम चल रहे हैं घर। और घर जाने से पहले हम आबू धाबी मॉल भी गए थे, क्योंकि वहाँ पे शरफ डीजी में हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक आइडल था वो रिपेयर कराने दिया था, तो वो पिक करना था हमें। सो ये अपना कुछ काम करवाने लगे तो बहुत टाइम लग रहा था, तो मैं सामने मुझे डाइसो दिखा, डाइसो पे चली गई, यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी ये चीज़ें मिल जाती हैं घर की, तो मैंने बोला एक चक्कर लगा लेती हूँ, अगर कुछ मिल गया तो ले लूँगी, वरना घूम फिर कर वापस आ जाऊँगी। वुडन है ना, वुडन वुडन अभी मत खेल इसको। सो फाइनली ऑगी के रूम का कारपेट ले लिया, सो बिफोर आपने देख लिया, अब कारपेट बिछाने लगाने के बाद देखते हैं कि कैसा लगता है, तो ऑगी बहुत एक्साइटेड है, सो चलिए
आफ्टर लुक आपको दिखाती हूँ। सो कारपेट लगा दिया, और ये मेरे मिक्सर ग्राइंडर का जार भी, ये पुराना वाला था मेरा, और रिप्लेस करके नया ले लिया। चलो ये काम भी बन गया मेरा। सो 8:45 हो रहे हैं। चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि दुबई से मैंने क्या क्या शॉपिंग करी थी, आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो उसके बाद फिर मैं आपको जो है बताऊंगी कि मैं दुबई से शॉपिंग क्यों करती हूँ। यार ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई चीज़ें मिलती नहीं, सब कुछ मिल जाता है, बट यहाँ पे सारे मॉल्स, सारे ब्रांड सब कुछ है, बट ड्रैगन मार्ट को छोड़कर। तो मैं जब भी जाती हूँ तो ड्रैगन मार्ट से कुछ ना कुछ शॉपिंग ज़रूर करती हूँ, वो मेरा फेवरेट शॉपिंग प्लेस है। और पहले भी जब मैं दुबई में रहती थी तो वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग किया करती थी। सो चलिए पहले देख लेते हैं। सो ये छोटी मोटी सी शॉपिंग की है मैंने। सो ये एक बॉक्स लिया है, ये ड्रैगन माची नहीं है, ये कहीं और से लिया था, एंड ऐसे ही देखा अच्छा लगा, छोटा सा क्यूट सा तो ले लिया। ये कोस्टर लिया है मैंने, यहाँ पे भी मैं ढूंढ रही थी बट मुझे मिल नहीं रहा था। कभी कभी होता है सेम स्टोर होते हैं, सेम होमवर्क से सब होते हैं, बट कहीं पे कलेक्शन कम और ज़्यादा होता है, तो वहाँ मिल गया ले लिया। ये एक कैंडल लिया मैंने बाथ एंड बॉडी शॉप से। एक्चुअली हमें कैंडल लेना था बट हमें पता नहीं था कि कौन सा वाला अच्छा होता है, तो स्वाति ने बताया कि ये बहुत अच्छा होता है, तो ये फिर मैंने बाथ एंड बॉडी शॉप या समथिंग कहीं से लिया। एक छोटा सा ये आर्टिफिशियल प्लांट लिया मैंने सेंटर पॉइंट से, एंड और क्या क्या लिया है चलिए आगे आके दिखाती हूँ मैं आपको। और एक ये प्लांट लिया मैंने, आर्टिफिशियल है ये भी, सो ये मैंने ड्रैगन मार्ट से लिया है। एंड वन मोर मैंने छोटा सा ये वाला भी ड्रैगन मार्ट से लिया है। सो ड्रैगन मार्ट से थोड़ी ज़्यादा शॉपिंग हो ही जाती है मेरी हमेशा। और कुछ स्लीपर्स लिए हैं, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट में चक्कर लगाने गई थी, स्लीपर्स ही नहीं मिले, पता नहीं उस दिन क्या प्रॉब्लम थी, एक भी स्लीपर नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो ड्रैगन मार्ट जाऊँगी तो वहीं से ले लूँगी। सो ये दो स्लीपर्स लिए हैं मैंने, और एक ये शूज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, सिर्फ 40 दिरहम्स का है, और मैंने पहले भी वहाँ से 40 दिरहम का एक शूज़ लिया था, वो 4 साल कंटिन्यू मैंने पहना है, बहुत पहना है फिर भी ख़राब नहीं हुआ। और एक सैंडल ये भी आई थिंक 30-40 दिरहम का, 40 दिरहम का आई थिंक लिया है मैंने। सो ये छोटी छोटी सी मेरी शॉपिंग थी, दैट्स इट, और कुछ ऐसा खास नहीं है। तो अब ये फ्लावर वगैरह मैं कहाँ का अरेंज करूँगी वो भी आपको दिखाती हूँ। और डाइसो से मैंने कुछ कुछ सामान लिया, वो ये है एप्रन, ऑगी जो है खाना खाते टाइम अपने कपड़े पूरे ख़राब कर देता है, तो मैं उसको ये एप्रन पहना के फिर खिलाती हूँ। ये छोटा सा एक स्प्रे बॉटल लिया है, और ये कुछ ये यान चाहिए था, कभी कभी ऑगी मांगता रहता है कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह स्कूल से बोलते हैं, तो इसलिए थोड़े से फ्लावर। और ये मैंने होम बॉक्स से लिया है छोटा सा डेकोरेट करने के लिए, और सैनिटाइज़र ये सारा। और ये हमने ऑर्डर किया था, जब ये आपको लग जाएगा पूरी तरह से तब मैं आपको दिखाऊंगी, ये ग्लोब है। सो एक प्लांट मेरा जो है आर्टिफिशियल वाला लेकर आई हूँ मैं, ड्रैगन मार्ट से, वो जाएगा यहाँ पर, उसको रिप्लेस करके मैं ये वाला लगा, सो ये लगा दिया। और सेंटर टेबल के ऊपर जो मेरी ट्रे खाली पड़ी थी, तो मेरा ये था कि जब दुबई से जाऊँगी वहाँ से कुछ लेकर आऊँगी और तब डेकोरेट करूँगी, तो चलिए इसको डेकोरेट करते हैं जो जो मैं लेकर आई हूँ आज और दुबई से भी, और उसके बाद आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है। ऐसे कर दिया मैंने डेकोरेट, दुबई से जो कैंडल लेकर आई थी वो भी रख दिया, कोस्टर भी रख दिया, और कुछ शेल्स जो मेरे पास पहले से पड़े थे वो रख दिए। तो ये हो गया कंप्लीट डेकोरेशन, और आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। सो ऑग इज गोइंग टू वॉच मूवी, विच मूवी इज गोइंग? गोजिला वर्सेस कॉन्ग। ओके, एंजॉय योर मूवी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मोलू, मोलू विल नॉट गो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। और ये दोनों चले गए हैं मूवी देखने के लिए, और जो मूवी थी वो मैं नहीं देख सकती थी तो इसलिए मैं नहीं गई हूँ। अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ और अपने थोड़े बड़े बचे हुए काम, और शाम को हमें कहीं जाना है तो उसके लिए भी प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए आ गए ये दोनों अपनी मूवी देखे, और मैंने बोला था कि जहाँ जाना है वहाँ बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आओ, तो पता नहीं ये क्या क्या फैन वैन दुनिया भर की चीज़ें उठा लिए, बस उनको शॉपिंग करने का बहाना चाहिए होता है। जा
जाना था जापान, पहुंच गए थी, समझ गए ना? तो मैं फॉलो करके, पता नहीं कौन सा मैप दिया गया था, फॉलो करके दूसरी जगह पहुंच गए, पता नहीं कहाँ, एयरपोर्ट के बाजू में, और अब फ्लाइट नहीं, घर ही चले जाते। फिर से वापस जा रहे हैं, देखते हैं कि पहुंच पाते हैं या नहीं। तो हमारे घर से 40 किलोमीटर ऑलरेडी था, और अभी हम फिर से 17-18 किलोमीटर और जा रहे हैं। लेट्स सी कहाँ जाके पहुँचते हैं। सो फाइनली चीन पहुँच गए हैं, हम जापान से वापस आ गए हैं। अभी भी इसके पीछे ही थे हम लोग, अभी भी जो लोकेशन है हमको घर के पीछे की दी हुई थी, और घर से पीछे से सामने आने के लिए हमको 17 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा। 300 मीटर था पैदल आने पे, पर गाड़ी में वही 17 किलोमीटर लगा। तो ओ माय गॉड, पहली बार ऐसा हुआ हमारे साथ। तो फाइनली पहुंच गए हैं लोकेशन पे, अभी घर पहुंच रहे हैं। मे बी 500 मीटर्स होगा। सो चलिए चलते हैं। आप कौन है? कौन है? हेलो बोलो, हेलो हेलो आदवी, मम्मा का है, मम्मा का है, वो रही मम्मा। सुबह पहुंच गए, खाना वाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया। होगी तो बहुत इन्जॉय कर रहा है, क्योंकि इनकी जो बड़ी वाली बेटी है वो सेम होगी के एज की है, और छोटी वाली ने तो भाई मेरे साथ पहले मेरे पास आ ही नहीं रही थी, और उसके बाद मेरे पास से जा ही नहीं रही थी, तो पूरा टाइम वो मेरी गोद में थी। सो बहुत फन किया, बहुत मज़ा किया। तो चलिए अब घर चलने का टाइम हो रहा है, लेट्स गो होम। इधर देखो, वो देखो, वो देखो, स्टीयरिंग पे हाथ लगानी है। चलाओ चलाओ गाड़ी चलाओ, एक पोज में रहती नहीं है। चलो आ जाओ, आ जाओ, बहुत जल्दी सीख लेगी। हेलो। अरे वो सारा घुमा घुमा देती है।